और जैनपुर नगर तहसील में अलग अलग विभाग में शासकीय नौकरी करने वाले शासकीय कर्मचारी परेशान ना हो और वह दूर ना जाए टीका लगवाने उनकी नजदीकी हॉस्पिटल में ही वह कोरोना महामारी का टीका लगवा सके। उसी को लेकर बड़नगर तहसील के प्रमुख हॉस्पिटल केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाकर शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना वायरस महामारी के टीके लगाए जा रहे हैं। जहां पर नजदीकी हॉस्पिटल पर बने हुए टीकाकरण केंद्र पर शासकीय अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और टीके लगवा रहे हैं। किस प्रकार से व्यवस्था की गई है तहसील और मैं कि जो कोविड के जो इंजेक्शन है शासकीय कर्मचारियों को लग सकें, उनको दूर भी न जाना पड़े और शासकीय काम भी प्रभावित ना हो, किस प्रकार से व्यवस्था है और क्या है इसके लिए? जो अभी हमारा जो कोरोना का जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें अभी पहले फेज में हमने जो फ्रंटलाइन वर्कर जितने भी थे, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उनको टीके लगवाए। और अभी जो सेकेंड जो फेज हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें सभी फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस विभाग के लोग हैं और नगर पालिका के हैं, जनपद के हैं, उनके लिए हमने जो है दो टीम जो हमने गठित की है और दोनों टीम हमारी सिविल हॉस्पिटल बड़नगर में काम कर रही है। एक टीम लगभग 100 लोगों को टीके लगा रही है। तो ऐसे जो हमारी जो टीम फरवरी से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अभी कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि चूँकि फ्रंटलाइन वर्कर को इसलिए हमारे तहसील प्लेस पर हमने बुलाया है ताकि उन लोगों को जो है मैक्सिमम लोग हैं वो शहरी क्षेत्र के हैं, तो उनको जो है काम करने में या उनको दफ्तर में उनको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़े और इंजेक्शन भी आसानी से लगवाने के लिए सेंटर तक आते। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।